हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे डिवाइड डी एक्स थ्री कॉस पाई बाई सिक्स प्लस एक्स डिग्री माइनस फोर कॉस क्यूब, क्या लिखा हुआ है भाई? पाई बाई सिक्स प्लस एक्स डिग्री लिखा हुआ है, मैं राइट? अब बेटा यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो फॉर्मूला है वो फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा से कंपेयर करती है ना? बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये टर्म आगे होनी चाहिए और ये पीछे होनी चाहिए, वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि पाई बाई सिक्स प्लस एक्स डिग्री की वैल्यू जो है ना एच उसकी थीटा एज्यूम कर रहे हैं, चलेगा ना? थीटा हम पुट कर रहे हैं, चलेगा? अब ये क्या है तो देखो, डी बाई डी एक्स थ्री कॉस थीटा माइनस फोर कॉस क्यूब थीटा, सही है? अब मुझे तो ये आगे चाहिए और ये पीछे चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, वो माइनस डी बाई डी एक्स आ जाएगा भाई, सही है? तो यहाँ पे फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा पुट कर दिया दोस्त। हेलो, अब ये क्या हो गई? ये फॉर्मूला हो गई किसकी? कॉस थ्री थीटा की। तो माइनस डी बाई डी एक्स रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे रख दिया कॉस थ्री थीटा, क्या बात है? अब थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई सिक्स प्लस एक्स डिग्री। तो माइनस डी बाई डी एक्स कॉस थ्री। अब थीटा की वैल्यू क्या लिखूं भाई? पाई बाई सिक्स प्लस एक्स डिग्री। तो पाई बाई सिक्स प्लस एक्स डिग्री मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना? ये थ्री को अंदर डाल देते तो यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉस ये पाई बाई टू प्लस थ्री एक्स डिग्री लिख सकते हैं ना हम लोग, हाँ भाई। अब पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है दोस्त? माइनस साइन। पाई बाई टू का जो रोल होता है वो क्या होता है? जेंडर चेंज करना। वो साइन का जेंडर चेंज कर देता है, कॉस का जेंडर चेंज कर देता है, तो फंक्शन का जेंडर चेंज करने का काम कौन करता है? पाई बाई टू करता है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस है, ए भी माइनस, तो प्लस आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया साइन थ्री एक्स डिग्री। बट डिग्री की वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है? पाई एक्स अपॉन 180 होती है, यस yes? अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख दो भाई, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो एक्स अपॉन 60 हो गया। अब साइन अपॉन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस एक्स अपॉन 60, 1/60। अब यहाँ पे देखने जाओगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर कहाँ पे है? डिग्री में। तो साइन टर्म कहाँ पे चाहिए? डिग्री में चाहिए, तो इसको हमने लिख दिया ऐसे, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ये एक्स डिग्री है। तो थ्री एक्स अपॉन 180, समझ में आया? तो इसको 1/60 लिख दो, 60 लिख दिया। अब एक्स थ्री अपॉन 180 है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? पाई एक्स अपॉन 180 आपके पास है ना। चलो, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थ्री एक्स का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हाँ पाई एक्स अपॉन पाई एक्स 60, ओके। तो ये पाई एक्स 60 है, अब थ्री पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा? थ्री एक्स पाई। अब ये 1/60 आ गया, तो ये कॉस क्या आ जाएगा? थ्री डिग्री, थ्री एक्स डिग्री आ जाएगा। तो कॉस थ्री एक्स डिग्री, तो पाई अपॉन 60 कॉस थ्री एक्स डिग्री कहाँ पे है? बी ऑप्शन में है। तो ये आपका आंसर जाएगा बी। हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन जो है वो किसका क्वेश्चन है भाई? तो मीन वैल्यू थ्योरम, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम का अगर यूज करना है तो उसकी फॉर्मूला आपके पास होनी चाहिए, f'=f बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, ओके। तो बेटा यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, तो इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दिया है, इसका क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स इज वेरी सिंपल यार, इट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/x।
एंड दैट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, वेरी सिंपल, वन अपॉन सी, वॉट इज द वैल्यू एफ बी, देन यू नो वेरी वेल इट इज कॉल बी, इट इज कॉल ए, सो इट इज वेरी सिंपल, इट इज एफ ऑफ ई, ओके, माइनस इट इज एफ ऑफ वन, और यहाँ पे बी माइनस वन दैट इज ई माइनस वन, इट इज सिंपल. नाउ वॉट इज द वैल्यू ऑफ एफ वन अपॉन सी, कुछ नहीं, ऐसे ही आ जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं होती है, यही पूछ खुद वैल्यू है. वॉट इज द वैल्यू एफ अपॉन ई, तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, लॉग ई. वॉट इज द वैल्यू एफ ऑफ वन, लॉग वन, एंड वॉट इज दिस एज इट इज, नो चेंज, ओके, ओके, लॉग ई बेस ई वन, वी नो वेरी वेल इट इज कॉल्ड वन, लॉग वन दैट इज जीरो, देयर इज नो नीड टू राइट, इट इज कॉल e माइनस वन, ओके. अब मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी फाइंड करनी है, c की वैल्यू, रेसिप्रोकल वैल्यू लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो उल्टा पुल्टा कर दो, c इक्वल टू e माइनस वन, भाई ऑप्शन में है कि नहीं है, है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो c इक्वल टू e माइनस वन इज द राइट आंसर. हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में क्या करना है भाई, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन है, यस वन. अब बेटा इसका जो पैटर्न है ये कौन सा है, ये पैटर्न है साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस्ट की पावर एन एक्स. बेटा इसका सिंपल मेथड आपको याद होगा ही होगा कि अगर दोनों पावर और है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर दो दो पावर और है तो एक एक पावर सेपरेट कर लो, एक एक पावर सेपरेट कर लो, सिंगल सिंगल पावर सेपरेट कर लो. तो यहाँ पे क्या करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक एक को सेपरेट करते हैं, तो साइन की पावर 12x, कॉस की पावर 2x, यहां पे साइन x इंटू कॉस x, दोनों में से एक एक पावर कट कर दे. अब वी नो वेरी वेल यार कि साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, कॉस, कॉस की भी साइन होती है, बट मैं अभी सब्सटीट्यूशन क्या लेने वाला हूं, क्या लेने वाला हूं, साइन, तो साइन x क्यों लेने वाला हूं भाई, तो साइन x लेने से, साइन x लेने से हमें ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होने वाला है, क्योंकि अगर हम कॉस टी लेंगे ना तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत हार्ड हो जाएगा, समझो. तो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टी, तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बहुत इजी है, राइट, पुट इट देयर. तो यहाँ पे हमने साइन का पावर क्या लिख दिया, टी की पावर 12 आ जाएगी, कॉस एक्स दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का जो टी एज्यूम किया है, साइन का वैल्यू फिर से टी पुट कर दिया, कॉस एक्स डी एक्स वैल्यू डी टी, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो जाए. अब टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टी की पावर 12, ये टी माइनस टी की पावर 3 डी टी हो जाएगी, राइट, आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या है बाय 13, ये क्या है बाय 15 और डी टी. अब आप देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज होने वाली है, ये फॉर्मूला, x की पावर n dx, तो एक पावर बढ़ के नीचे आ जाएगी, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा t की 14 अपॉन 14 माइनस t की 16 अपॉन 16 प्लस c, विच वी नो वेरी वेल t की वैल्यू क्या है, साइन, तो अगर साइन यहाँ पे हो जाएगा तो 1 की पावर 14, तो साइन रेस टू 14x प्लस माइनस वन अपॉन 16 साइन की पावर 16x लिख सकते हैं, इट इज वेरी क्लियर. अब इसके साथ कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 14, बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन 16, है कि नहीं, कंपेयर कर सकते हो आप, वेरी इजी. नाउ ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 16 लिख सकते हैं भाई, वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय 16 माइनस 14, 16 मल्टीप्लाई बाई 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 14, तो 2 एंड 8, तो 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 14, एंड 14 8 जा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि 1 1 2 होता है, यस, तो डी इज द राइट आंसर, राइट. बच्चों में पी ऑफ ए डैश ऑब्लिक बी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, तो पी ऑफ ए डैश ऑब्लिक बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी फॉर्मूला बोलो,
इसकी फॉर्मूला क्या होती है? सिंपल है, फॉर्मूला सब में सेम ही होती है, याद कर, ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, एम आई राइट? अब ये तो सेट थ्री की फॉर्मूला है, सेट थ्री की फॉर्मूला याद करो क्या होती है, पी ऑफ बी ओके माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, राइट? हमें ऑलरेडी यहाँ पे डेटा दिया है दिस, इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया है यहाँ पे, तो पी ऑफ ए का वैल्यू दिया है, पी ऑफ बी का दिया है, इंटरसेक्शन बी का भी दिया है, बहुत सिंपल ओके। यहाँ पे 1/14 आएगा, 1/14 ओके, तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी का वैल्यू क्या है, 1/8, तो 1/8 पुट कर दो, 1/14 पुट कर दो एंड फिर से 1/8 पुट कर दो ओके। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं सिंपल, चलो 7/8 = 56 होता है राइट, तो अब 56 आ जाएगा, 4/4 = 56 होता है, और यहाँ पे 7/56 फिर से आ जाएगा, तो 56 कैंसल, 7-4 क्या होता है भाई, 3, तो 3/7 इज द राइट आंसर, तो 3/7 दिया, यस दिया है ना 7। हेलो फ्रेंड्स, एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन दिस क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी ओके। तो इन दिस क्वेश्चन द गिवन डेटा इज पी इक्वल टू 0.6, देन एन इवेंट ए अकर इन अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 0.6, राइट? देख के पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन है वो किस मेथड का है, तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यार, राइट? यस ऑर नो? तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर होते हैं वो कौन से होते हैं, पी क्यू एंड एन। सो इट इज वेरी क्लियर कि पी का वैल्यू क्या दिया है, सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 0.6, मीन्स पी का वैल्यू 0.6 दिया है। तो अगर पी का वैल्यू 0.6 है तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.4 ओके। तो क्यू का वैल्यू 0.4 है, कितने ट्रायल्स है भाई, कितने ट्रायल्स है, फर्स्ट 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तो एन इक्वल टू क्या दिया है, 3। तो ये फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं, बट यहाँ पे जो फाइंड क्या करना है, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है कि हमें पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फाइंड करना है, राइट? सॉरी, एटलीस्ट वन पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइंड करना है। भाई हम ये क्यों फाइंड करें, इससे बेटर है कि हम ए फाइंड ना कर ले पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर ए हमने फाइंड कर लिया तो बाई डिफॉल्ट आंसर आ जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। सो 1 - हेलो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, भाई एन का वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 से 0 पुट कर दिया। पी का वैल्यू क्या है, तो वी नो वेरी वेल पी का वैल्यू कितना है, 0.6, तो 0.6 की 0 पावर पुट कर दी। क्यू की वैल्यू क्या है, 0.4, तो ये आ जाएगा 3 - 0। बच्चों वी नो वेरी वेल, इट इज वेरी इजी स्टेप यार, 1 - 1 1 और 0.4 की 3 पावर, तो क्या हो जाएगा, 64/1000। तो 1 - क्या होने वाला है, 0.064। अब 1 - 0.064 क्या होता है, तो 1 - 0.064 क्या होता है, 0.936। आपको चेक करना तो कर सकते हो, तो 0 क्या जाएगा, 936, तो हमारा राइट आंसर है ए। तो कितना इजी क्वेश्चन होगा ये,